झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि प्रथम फेज के बाद दूसरे फेज की भी नॉमिनेशन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। कल दूसरे चरण के नाम वापसी का अंतिम दिन है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 43 सीटों के लिए 685 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1609 उम्मीदवारों के लिए नामांकन किया गया था। 2019 का इलेक्शन में वहाँ केवल 633 था, मतलब कैंडिडेट की संख्या बढ़ा। कहाँ तक ईवीएम का सवाल है, हम लोग का कितना ईवीएम चाहिए वो ऑलरेडी हम लोग तैनात रखा है। हम लोग का मैक्सिमम कैसा कितना होगा उसी कैंडिडेट के हिसाब से कैलकुलेट किया। हम लोग का कितना मशीन रखा है उसका ही कम मशीन का ही यूज होगा, इसलिए ईवीएम का स्कैसिटी नहीं है हम लोग के पास, वो पर्याप्त है। हम लोग का करके रखा उसी हिसाब से डिप्लॉय कर लेंगे। आपका फेज टू का कल विथड्रावल का 11 बजे तक विथड्रावल का समय है, उसके बाद उनका हम लोग को देखे उसके बाद आगे काम कर लेंगे। उसके बाद उनका नॉमिनेशन का फाइनल करते हुए फिर उसके बाद उसका भी डेट कैंडिडेट कल फाइनल हो जाएगी।